हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है फॉर एग्जाम फॉर में। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ हिंदी 100 मार्क्स का 30 VVI क्वेश्चन, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा जो है सो लड़ेगा, ठीक है। तो इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और आपको कमेंट करके बताना है कि आप 30 प्रश्न में से आप अपने प्रश्न मतलब अपने मन से कितना प्रश्न का उत्तर जानते थे, ठीक है। और देखते हैं कौन कौन बच्चे 30 प्रश्न में से जो है सो 20 से 25 प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं और कौन कौन बच्चे नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, चलिए हम लोग एक नंबर से शुरू करते हैं और देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, भारत तेंदु युग के, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है, दो नंबर की जो है सो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। तो दो का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बना चाहिए, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, राइट आंसर ए वाले को करोगे। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल तीन नंबर है कि जैसे उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी बोला मोहन राकेश, और ऑप्शन नंबर डी बोला उदय प्रकाश जसो चंद्रधर शर्मा। तो तीन का जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए वाला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, राइट आंसर ए वाले को करोगे। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर चार है डियर, कि जसो गुलेरी का जसो मूल निवास स्थान कहाँ था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया और इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं, ठीक है, और जो है सो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर पांच है कि जो है सो संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण जो है सो किसने दिया था। तो इसका आंसर क्या देंगे, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो पांच का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डियर बिल्कुल ए वाला, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर छह है कि बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था, 1964 में, 1974 में, 1984 में, 1994 में। तो छह का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे कौन सा, तो बी वाले को करेक्ट करोगे 1974 में, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर जो है सो सात है डियर, कि जो है सो किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है अपूर्ण है। तो ये कौन से पाठ में कहा गया है, पूर्ण नारीश्वर में, अर्ध नारीश्वर में, नारीश्वर में, और ऑप्शन नंबर डी वाला है ईश्वर में। तो सात का जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाले हो जाएंगे, अर्ध नारेश्वर में, ठीक है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आठ है डियर, कि जो है अर्ध नारेश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताना है, क्या हो जाएंगे इसका आंसर। तो एट का राइट आंसर बिल्कुल जैसे ए वाला हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर अगले है नौ नंबर, कि जैसे अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञेय, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 है डियर, ठीक है, कि जो है सो किस पाठ में आया है, ठीक है, किस पाठ में आया है, जो है सो 3 बज के, 4 बज के, 11 बज के, ये कौन से पाठ में आया है, अर्ध नारेश्वर में, रोज में, त्रिज में, हंसते हुए मेरा में। तो इसका जो राइट आंसर है ना बिल्कुल जैसे क्या चाहिए, तो इसका आंसर बी वाला जगह रोज में। ओके, चलिए देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11 है डियर, कि जैसो अकेलापन, ठीक है, अकेलापन किस पाठ की युक्ति है, जसो विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण जसो बनाने वाले होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो 11 का राइट आंसर बिल्कुल जसो बी वाला हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र। ओके, चलिए देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर अगला है 12 नंबर, कि जसो एक लेख और एक जसो पत्र शीर्षक पाठ की लेखक कौन है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया और इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे 12 का, तो बिल्कुल 12 का करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 13 नंबर आपके स्क्रीन पे है ना, कि ओस दनेरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं, क्या चाहिए, जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह। तो 13 का राइट आंसर बिल्कुल जैसो ए वाला हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, राइट आंसर ए वाले को लॉक करेंगे। और प्यारे बच्चे देखिएगा बिल्कुल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर अगला है 14 नंबर, कि चोर कैसे ताल है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है, चोर कैसे ताल है, उथले है, चौड़े है, गहरे है, लबालब है। तो 14 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, उथले, ठीक है, कैसे ताल है, तो उथले हो जाएंगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे आपको वैसे वैसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि आपके फाइनल
एग्जाम में सीधा सीधा लड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। जिनका जिनका तैयारी अगर कुछ भी नहीं हुआ है ना, और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग याद भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, है ना, देखिएगा प्रश्न है 15 नंबर की, सिपाही की माँ निम्नांकित में जो है सो कौन है। तो इसका आंसर क्या देंगे, चुन्नी, किसनी, बिस्नी, मुन्नी। तो इसका आंसर 15 का करोगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला, बिस्नी, ठीक है। चलिए जी, देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो है सो मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो इसका आंसर क्या देंगे, मदन मोहन मुगलानी, राधा कृष्ण जो है सो गोगलानी, ऑप्शन नंबर सी वाले हैं, कृष्ण मोहन जो है सो गोगलानी, और नेक्स्ट ऑप्शन है डी वाला, रामकृष्ण गुगलानी। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ले चेंगे, जासो मदन मोहन गुगलानी, ठीक है। राइट आंसर ए वाले को करोगे प्यारे बच्चे। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे 17 नंबर है कि जासो स्वर्गीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। वाद विवाद संवाद, दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, और नेक्स्ट ऑप्शन है इतिहास और आलोचना। तो 17 का जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला चाहिए, वाद विवाद संवाद, ठीक है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि जूठन क्या है, ठीक है। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है डियर, है ना, कि जूठन जो है ना क्या है। इसका आंसर आप सभी को जल्दी से बता देना है, जूठन क्या है। चलिए देखते हैं कौन कौन डियर स्टूडेंट इसका आंसर दे पाते हैं। और देखिएगा प्रश्न है 19 नंबर कि मलयस ने जिस जैसो किस विषय से जैसो एमए किया था, ठीक है। मलयस जो है वो कौन से विषय से एमए किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला। तो इसका आंसर 19 का करोगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, तो बी वाला हो जाएगा, अंग्रेजी से, ठीक है, बिल्कुल बी वाला राइट आंसर हो जाएंगे। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे 20 नंबर है कि जो है सो हंसते है वे मेरा अकेलापन के लेखक है, कौन है, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, मलयज अगे। तो 20 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाला हो जाएगा, मलयज, कौन है, तो मलयज बिल्कुल राइट आंसर। और देखिएगा प्यारे बच्चे 21 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिज कहानी किस प्रकार की है, ठीक है। और आगे का जो क्वेश्चन है ना, इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वे जो है सो क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर लगाओगे त्रिज कहानी किस प्रकार की है। तो 21 का जो सही उत्तर है ना, 21 का जो राइट आंसर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए वाला, उत्तर आधुनिक त्रासदी, ठीक है। राइट आंसर ए वाले को करोगे। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे 22 नंबर प्रश्न है कि जैसे किस पाठ में युक्ति आई है, जहां भय है वहां बेघा नहीं हो सकती, उस दनिरा सिपाही की मां, अर्धनारेश्वर, शिक्षा। तो 22 का जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर डी वाला चाहिए, शिक्षा में। कहां पे आए हैं, किस में आए हैं, तो शिक्षा में आए हैं, ठीक है। आने के डी वाले को राइट आंसर कर दोगे प्यारे बच्चे। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 23 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है। तो जय कृष्णमूर्ति, रामधारी सिंह दिनकर, उदय प्रकाश अग्गे। तो 23 का जो राइट आंसर है ना, 23 का जो संयुक्त है ए वाला हो जाएंगे, जय कृष्णमूर्ति, ओके। और राइट आंसर ए वाले को करोगे प्यारे बच्चे। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल 24 नंबर है कि जैसी किस शाखा के कवि हैं, है ना। तो इसका आंसर 24 का कर दोगे, ऑप्शन नंबर सी वाला, प्रेम मार्गी के, कौन से शाखे के कवि हो जाएंगे, तो प्रेम मार्गी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान कहाँ है। तो कहाँ था, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया, और इसका सही उत्तर 25 का करोगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला, जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आप लोग याद रखोगे जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है सो बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, है ना। चलिए जी, देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे 26 नंबर है कि जो है सो किसने सूरदास से कहा कि सर है के ऐसो जैसो ऐसो विधि यात काहे हो कछु जो सो भाग वालीला वर्णन करी, ठीक है। तो जैसो सूरदास से जो सो किसने पूछा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर है 26 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला जाएगा, गुरु वल्भाचार्य, क्या जाएंगे, तो राइट आंसर ए वाले को करोगे। यार देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27 है ना, कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन है, संस्कृत, ब्रज भाषा, मैथिली, अवधि। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दोगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन डियर स्टूडेंट आप लोग कमेंट करके बताते हो इसका आंसर, कौन कौन जानते हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है। और चलिए जी, देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे 28 नंबर है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताएं, क्या नाम था, नरहरिदास, इनमें से सभी, वल्भाचार्य, ऑप्शन डी वाला, विठलन दास। तो 28 का जो राइट आंसर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला चाहिए, नरहरिदास, ठीक है। प्रश्न देखिएगा बिल्कुल जैसो 29 नंबर है कि जैसो कवितावली के रचनाकार हैं, ठीक है। तो कवितावली के रचनाकार कौन हो जाएंगे, जैसे तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। तो इसका आंसर 29 का करोगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला, तुलसीदास, ठीक है। प्रश्न देखिएगा बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है,
30 नंबर क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। प्रश्न डेयर कि नाभादास किस जसु युग के जसु भक्त कवि थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, आधुनिक काल, श्रृंगार काल, भक्ति काल, वारी कथा काल। तो इसका आंसर 30 का कर दोगे ऑप्शन बिल्कुल सी वाले जाएंगे, भक्ति काल के। कौन से काल के, तो भक्ति काल बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए आपका मैंने यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, और आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है प्यारे बच्चे, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता दोगे ना कि आप जैसे कितना प्रश्न का उत्तर अपने मन से जानते थे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताओगे, है ना। और देखते हैं कौन कौन बच्चे जो है सो बिल्कुल 30 प्रश्न में, है ना, 30 प्रश्न में से कम जो है सो 20 या जो है सो 25 का, ठीक है, 25 का क्वेश्चन जो है सो क्वेश्चन का आंसर कौन कौन दिए हैं, है ना। तो हम देखना चाहते हैं, तो आप अपना अपना जो है सो रिजल्ट जरूर बताइएगा, ठीक है। 2025 का फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं, जिनका जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, नंबर है 7274800891।